गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। स्वामी दानंद जी कहता है कि पाप नाश नहीं हो सकते सतुति से, लेकिन उपासना से, सतुति से पाप नष्ट, भक्ति से पाप नष्ट नहीं होते भगत के। तो क्या होता है, कहते उससे परब्रह्म से मेल और साक्षात्कार हो जाता है। अरे तरह के जो भैया, अब कोई कहे औषधि से रोग नहीं कटता तो और क्या लाभ होगा कि पहलवान बन जाएगा, या कोई थ्योरी है उसकी, वो तो कोई अज्ञानी है। और बोर्ड लगा रखा डॉक्टर का, वो तो कति अनाड़ी आदमी है, दोनों का औषधि तो रोग नहीं कटे। और साबुन विक्रेता का बोर्ड लगा रखा हो और कोई पूछे भाई ये साबुन मैल काट देगा कपड़े का, वो कहे नहीं मैल नहीं काट सकता, फिर कौन लेगा उसके उस साबुन ने, और फिर भी बेच गया न रे यो। इतने सत्यार प्रकाश है भगवान, घर घर में ये सत्यार प्रकाश रखा है, केवल ये सोच करके बड़े विद्वान का लिखा हुआ है, इसमें अच्छी बात लिखी होगी, पर पढ़ के किसे नहीं देखा, क्योंकि पढ़े तो इसका शर्म दर्द हो जाए, पता नहीं क्यों लिखता क्यों लिखता, इतना लंबा सेंटेंस बना के छोड़ देता, पढ़ते पढ़ते पिछले न भूल ले आदमी। ये तो इस दास का मोतियाबिंद परमेश्वर कबीर जी ने हटा दिया, अज्ञान रूपी जो मोतियाबिंद था उसका ऑपरेशन किया, तब इस दास को दिखाई दिया, तब इनके अज्ञानियों के ये अज्ञान का पर्दाफाश करके आपके समक्ष रख दिया। अब परमात्मा पाप के घोर पाप काट देता है, क्योंकि वेद क्या है, ये परमात्मा के गुण लिखे इसमें, और परमेश्वर के गुणों में लिखा है तो घोर पाप ने भी काट दे। इससे सिद्ध है कि ये अज्ञानी थे, इनको ज्ञान वेदों का नहीं था, ये कति मूर्ख थे, और यही यजुर्वेद इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, ऋषि दानंद जी द्वारा अनुवाद किया गया, देखिए पवित्र यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, इतना अनुवाद किया गया, लिखा नहीं इसने, ये लेखक नहीं है वेदों का, लेखक तो वेदव्यास है और वक्ता ब्रह्म है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है और ये यहां से छपा है। इसको देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, अष्टमो अध्याय यजुर्वेद, और यहां देखो 13वां मंत्र, ये संस्कृत है, देव कर्तस्य एनस्य अवेजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवेजनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य अवेजनम असि, आत्म कर्तस्य अवेजनम असि, यानी इसने कितनी बार परमात्मा लिखा है, परमात्मा के बारे ब्रह्म ने लिखा है कि पूर्ण परमात्मा घोर पाप काट देता है। अब ये 241 पे आपने देखा, 241 पे ये 8वें अध्याय का 13वां मंत्र देखा आपने, और 242 पेज का अनुवाद किया है स्वामी दानंद जी ने। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप अब यहाँ बीमारी पड़गी, अब जैसे इसके सत्यार प्रकाश ने किसी ने पढ़ा के भगवान पाप नहीं काट सकता, तो इसने अपने अज्ञान को यहाँ भी छुपाने की चेष्टा की है कि किसी की दृष्टि ना पड़े, ऐसा लिख दूँ, यहाँ सीधा लिख देना था हे परमेश्वर आप घोर पाप, आप दान देने वाले के पाप का भी नाश कर देते हो, परमात्मा ना लिख कर हे सबके उपकार करने वाले मित्र। अब जनसाधारण जब इसको पढ़ रहा है वेदों को, उसने देख दिया गया या तो कोई मित्र मित्र के बारे में लिख रखा हो, अच्छा मित्र है वो सहयोग दे देता है और ऐसे ऐसे वो लिखा होगा, भगवान के विषय में नहीं, भगवान नहीं काट सकता पाप, क्योंकि दानंद जी ने सत्यार प्रकाश में लिख दिया कि वो पाप नहीं काट सकता, हम वहाँ डट गई तुम्हारी सोच। अब ये सत्यार प्रकाश में स्वयं कह रहा है कि जहाँ मित्र परमात्मा का नाम
परमात्मा के विषय में बोधक है क्योंकि वो सच्चा मित्र है। इस ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने और विशेषकर जो सत्यार प्रकाश को बेचकर रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको उनके पेट में दर्द हो गया। अब दयानंद जी के जो अनुयायी हैं विशेषकर वो जो सत्यार प्रकाश को बेचकर अपना काम चला रहे हैं और वेदों को बेच करके अपनी दुकान चला रहे हैं या फिर सत्यार प्रकाश की महिमा बताकर दुनिया को अपने पीछे लगा कर महर्षि आचार्य गुरु पद पर विराजमान है, उनको समस्या आ गई कि ये तेरे तुम्हारे चेले सब भागेंगे और तुम्हारी दुकानें बंद होंगी। तो उन्होंने ये क्रोथा कांड करवाया और राजा और प्रजा को भ्रमित कर दिया कि वहाँ सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा बुरा कर्म होता है, वहाँ तो ऐसा होता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, पता नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान खत्म हो गया और जनता को भ्रमित करना इनका मुख्य उद्देश्य बन गया कि तुम्हारे ज्ञान की पोल खुलेगी, तुम्हारे अज्ञान की पोल खुलेगी और जनता तुम्हें थुक्या करेगी, धक्का रहेगी, तुम किस सोए पड़े थे, इस अज्ञान को हमें बांट रहे थे, ये ऐसा शास्त्र, ये सत्यार प्रकाश जी, हमें कोई सत्य नाम की चीज नहीं, पूरा वेद विरुद्ध ज्ञान भरा है। तो इन्होंने ये सोचा कि रामपाल को तो मार दो और आश्रम न उजाड़ दो, इतनी अफवाह फैला दो कि इनके शिष्य भी इससे दूर भाग जा। इन्होंने अपना पूरी कोशिश की, हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये भी आर्य समाजी, इनका खूब दाव लग गया, इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ पर ऐसा गंदा क्रम होता है, ऐसा होता है। न्योना बताया कि हमारी खाल तार दी, हमारी अज्ञान की पोल खोल दी रामपाल ने, वह ना बताई, अब आई सामने सब कह, ये सच्चाई अब ऊपर आकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इन्हें तो अपने कर्म बिगाड़ लिए, अपने भाग फोड़ लिए, संतों और भक्तों को सता करके और परमात्मा का विरोध करके ये कर कुछ नहीं सकेंगे, परमात्मा के सामने इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी ब्रान माटी होगी, इनके घर में वो दुख देख, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा क्योंकि आम के पेड़ के काटे नहीं होते, संत कभी बद्दुआ नहीं दे सकते, ना उनकी बद्दुआ लग गए, लेकिन जैसे कर्म तुमने किए हैं उनको भोगना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास वो पाप काटने की दवाई कोई ना, पाप भी हमारे से कटेंगे, यहाँ का नाक रगड़ेंगे, उपदेश लेंगे, भक्ति करेंगे, तब वो पाप भी उनके इसी दरबार में कटेंगे। तो उन किए हुए कर्मों का भोग इनके ऊपर इतना भयंकर होगा, आपके सामने दिखा दूंगा जो ये जिन हमारे साथ विरोध किया है और परमात्मा के मार्ग में बाधा की है, उनकी वो दुर्गति होगी, दुनिया सामने उंगली टेक टेक कहा करेगी इन्होंने वो जुल्म किए थे, आज देखो इनके घरों में क्या हो रहा है, इनका इनने पाप इतना कर दिया, मतलब ये दास ना बद्दुआ दे रहा है, ना इनको कोई श्राप दे सकता, ना श्राप मारा लग गया किसी का, क्योंकि आम के पेड़ का कांटे नहीं होते, फल ही फल होते, तो संत बद्दुआ नहीं देते, आम के पेड़ पर टंग के को वैसे गिर कर टांग तोड़वा ले, वह बात दूसरी है, शराबी चढ़ जाए ऊपर पड़ जाए नीचे, वो आम का दोष नहीं, वो उसके अपनी ही लापरवाही से ही चोट खाएगा। तो इन हमारा वाद विवाद चला था 2003 में, सन 2003 में आस्था चैनल पर ये प्रचार शुरू किया था हमने, हमारे भक्तों ने, तो जिसमें इन सब की पोल खाल उतरे थी इनके अज्ञान की, तो इन्होंने इतना विरोध कर दिया सभी नकली संतों ने, ऋषियों ने, आर्य समाज के प्रधानों ने, वो हमारा बंद करवा दिया आस्था चैनल से। और फिर इनको पता लग गया कि तो थारी खाल उतर गई, तो 2004 से ये सक्रिय हो गए, 2003 से ही लोगों को भ्रमित करने लगे, वहाँ गुंडागर्दी होती है, असर सतलोक आश्रम में ये होता है, अब बोली जनता वहाँ तक तो आवा नहीं थी, उनकी बात ना सुन सुन कर भ्रमित होगी। और फिर ये यही जो कर्म इन्होंने जो जुल्म अब 12 जुलाई सन 2006 में किया और करवाया आर्य समाज के नेताओं ने, ये पदाधिकारी आर्य समाज के जो आर्य प्रतिनिधि के नेताओं ने, ये 2 जनवरी 2005 को करना था, उसमें हमने इनके इस दुष्कर्म के ऊपर इस सम्मेलन का जो है कोर्ट से स्टे ले लिया था, जब तक ये बच गया था,
फिर इन्होंने बाद में मुख्यमंत्री जी भी हरियाणा का आर्य समाजी आ गया, इसको भी इन्होंने मूर्ख बना दिया, इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ ऐसा होता है वहाँ ऐसा होता है, तो गुंडा आदमी है, गुंडे वहाँ गुंडे रखता है, औरतें जाती हैं बदम, तो फिर राजा और प्रजा को भ्रमित करके वो अन्याय करा दिया। लेकिन हम ना किसी का विरोधी हैं, हम अपने अपने परमात्मा के सहारे ऊपर उठेंगे और एक दिन दिखा देंगे सच क्या है और झूठ क्या है। हम किसी को बद्दुआ नहीं दें, ना हम किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो भी हमें पाप लगता है, क्योंकि हम किसी को मान ले बद्दुआ दें या उसका विरोध करें तो क्या हम भगवान से बड़े हो गए कि हम भगवान के उनके जो कर्म में है भाग में है उसको हम नहीं टाल सकेंगे, क्योंकि वो भगवान का लिखा हुआ। हाँ, उनके पाप कर्मों को टाला जब जा सकता जो भगवान के उस मंत्र से जुड़ जाएंगे कोई भी हो, तो इसलिए हम इस हम परिचित हैं कि हम किसी के कर्म में बाधा नहीं कर सकते, बुरे हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के भाग में राज्य है और हम सोचें उसके राज्य ने खत्म कर दिया, फिर हम तो भगवान से बड़े हो गए, नहीं। जब तक उस जिसके भाग में जो वस्तु है वो मिलेगी, और जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे या बैटरी डिस्चार्ज होगी, फिर आप पड़ा पड़ा रोएगा वो व्यक्ति कोई भी है चाहे, तो वो दुखों का जब दौर शुरू होगा तब उसको याद आएंगे अपने किए हुए कुकर्म। तो हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हैं, हम किसी की विरोध नहीं कर सकते किसी भी मार्ग में। हाँ, हम अपना पक्ष अवश्य पेश करते रहेंगे। जैसे हम परिचित इस ज्ञान से कि जैसे कंस ने, कंस को आकाशवाणी होगी कि तेरी बहन की आठवीं संतान तेरी मौत का कारण होगा। अब कंस ने उसी समय अपने बहन और बहनोई को मारना चाहा, खत्म करना चाहा, तो उन दोनों ने हाथ पैर जोड़ के कहा कि आप हमें मारो मत, आप हमें अपनी कैद में डाल लो, जितनी भी संतान होगी हम आपको देते रहेंगे, आप कुछ भी करना है। इस बात पर कंस प्रसन्न हो गया, अपने बहनोई और बहन को जेल में डाल दिया, और सात संतान हुई, आठ हुई, तो उसने अपने हिसाब से उन आठ की आठ संतानों को मार दिया। फिर आकाशवाणी आठवीं संतान जब उसने मारना चाहा, वो जमीन पर पटकी, वो आकाश में उड़ गई, लड़की थी आठवीं भी, और कहा था कि आठवां लड़का होगा वो मारेगा तुझे, तो आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। अब उस कंस ने, कोई बुद्धिमान होता उसकी अकल ने ठिकाने लाता, कोई संत कहता कि यदि तू भगवान की आकाशवाणी को सत मानता है तो तू कैसे परिवर्तन कर सकता है उसमें, तू तो पाप पाप इकट्ठे कर रहा है। लेकिन ऐसी सलाह देने वाला उस राजा के पास नहीं था, तो उसने क्या आदेश दिया, मंत्रियों ने सलाह दी कि आसपास के नवजात शिशुओं को मरवा डालो, इसे सलाहकार थे उस कंस के। तो कंस ने कहा बिल्कुल सही है, आसपास के क्षेत्र के कोई दो वर्ष के छः महीने के नवजात शिशु आज ही पैदा हुआ है, कोई आठ सात वर्ष के बालकों तक को सबको कत्लेआम करवा दिया उस पापी ने, और वो मर्या भी फिर आठवीं संतान से ही मारा गया, और वो पाप इकट्ठे कर लिए, उसने अपनी जान नहीं बचा सका। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के विधान से परिचित हैं कि कंस ने कितने पाप किए, जैसे देव की और वासुदेव को जब कैद में बंद किया, प्रथम संतान हुई, आठ संतान हुई, तो कम से कम दस वर्ष सोलह वर्ष तो लागे होंगे एक एक दो दो वर्ष के अंतर में, और भगवान कृष्ण जी भी सोलह सत्रह अठारह वर्ष के हो गए थे जब कंस को मारा, यानी कंस के पूर्व जन्म के पुण्यों से वो 36 32 33 वर्ष राज भी धड़ाके से करता रहा, नो प्रॉब्लम थी, और जब जब उसके पाप सामने खड़े हुए तो उसकी वाह बिरान माटी की। और किस उपमा से उसको याद किया जाता है उस कंस को, सर्वविदित है, एक राक्षस की पदवी को प्राप्त करके गया,
और पाप इकट्ठे कर गए और उसको बदल नहीं सका विधान को। भगवान का विधान था कि तेरी मृत्यु होगी आठवीं संतान से, और उसको एक तरफ से आकाशवाणी को सत मान रहा, फिर भगवान से बड़ा मान लिया अपने आप को उसने कि मैं ऐसे कर दूंगा मेरी जान बच जाएगी ऐसे। जब भगवान ने कह दिया तो फाइनल है, प्रार्थना करते रहना चाहिए था, हाथ जोड़े बैठा रहना चाहिए था, भगवान कद सी आओगी मेरी मौत, उससे पहले मैं कोई पुण्य कर लूँ अच्छे काम कर लूँ। लेकिन नहीं, संत बिना ये ज्ञान मिले कहाँ से। तो पुण्यात्माओं, ये पाप अक्षमा नहीं होते। तो ये जो विरोध हमारा किया गया, इस दास ने समाचार पत्रों में ये सब कंप्लीट इनकी फोटो कॉपी लगा दी कि दानंद ये कहर वेद ये कहते हैं, और दानंद खुद कहता है कि वेद जो है इसमें सत्य ज्ञान लिखा है। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, ये देखो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। अब ये तो ये ठीक बोल रहा है कि वेद में जो लिखा वो सत्य है, और सत्य और प्रकाश में क्या लिखा फिर वो असत्य है। वेद कहते हैं भगवान घोर पाप काट दे, और तेरा सत्य और प्रकाश में लिख रहा है कि वो पाप नहीं काटता, तो वेद सत्य है तो सत्य और प्रकाश क्या है, ये असत्य है। इतनी सी बात थी इन रोजी रोटी के कमाने वाले आचार्यों ने, इन्हें सोचा तुम्हारी तो इतनी बुंडी बेइज्जती होगी, दुनिया के थूकेगी, तुमने के कहेगी, संस्कृत के ज्ञाता कहा और वेद तुमने पता भी कोई ना क्या लिखा है। तो इस कारण से इन्होंने हमारा वेद विरोध शुरू किया। पहले तो समाचार पत्रों में वाद प्रतिवाद हुआ, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन ये झूठे इतने हैं उसमें, कहते थे कि जो रामपाल ने लिखा है कि आठवें यजुर्वेद के आठवें अध्याय के तेरहवें मंत्र में पाप काटने का लिखा, कहते तो मित्र के बारे में लिखा, भगवान के बारे में नहीं। अब जनसाधारण तो इतना प्रभावित है इस दानंद जी की थ्योरी के सुनी सुनाई महिमा से कि महर्षि दानंद जैसा विद्वान नहीं, वेदों का ऐसा उनके सिवा वेदों का जानने वाला नहीं। तो इस कारण से जनसाधारण के मन में यह बात घर करी रही कि रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता और दानंद जी संस्कृत के विद्वान पुरुष थे, वो ही वेदों को सही जान सके, इसलिए रामपाल झूठ बोल रहा। तो यह जचगी जनसाधारण के, तो इस अज्ञान को हटाने के लिए दास ने प्रोजेक्टर का सहारा लिया कि आपको आँखें दिखा दूं कि दास आज तो सब शिक्षित हैं, अनुवाद ये करके गए हुए हैं, इसमें संस्कृत की हमने जरूरत है कौन पढ़ने की, और कहीं त्रुटि है तो हम संस्कृत में भी देवनागरी लिपि है हम उसको पढ़ भी सकते हैं, शब्दकोश से मिला भी सकते हैं, उसका अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, फिर ने देखा कि तो किसी तरह काबू नहीं आता, तो फिर सोचा आश्रम नष्ट करो और इसको बर्बाद कर दो, इतनी झूठ बोल दो कि जनता इनसे नफरत करे, इनके शिष्य भी भाग जाए। फिर इनको पता नहीं था कि मैंने ऐसे रंग में तोते की तरह रटा रखे मेरे बच्चों को, ये पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, ये मेरे से दूर नहीं हो सकेंगे क्योंकि ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर है ही नहीं, ये जाएंगे कहाँ। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का भाई सूझे और नठोर। तो इस ज्ञान के समझने के बाद ऐसी दशा हो जाती है भक्तात्मा की कि जैसे समुद्री जहाज के अंदर काग बैठकर चले जाते थे कौवे बहुत दूर तक, सुबह उनको पत्थर मारकर उड़ा दिया करते थे जहाज के चालक ये देखने के लिए कि हम अपने जहाज की दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कौवे में एक विशेष गुण दिया प्रभु ने कि वो रात्रि के समय श्याम के समय जहाँ से चला था सारी रात चल करके आगे सुबह दिन के समय वो फिर उसी तरफ गति करता है, फ्लाई करता है जहाँ से वो चले थे, इससे वो अपनी दिशा का आइडिया लगा लेते थे जहाज के चालक कि हम ठीक चल रहे हैं, हमारा दिशा सूचक ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो फिर वो उन्होंने जो कौवे को उड़ा दिया था अपनी दिशा चेक करने के लिए, वो कुछ देर तो उड़कर चल लेता है, फिर उसने देखता जहाँ देखकर समुद्र ही समुद्र है, समुद्र ही पानी ही जल है, तो उसको कहीं और ठिकाना बैठने का दिखाई नहीं देता, वापस उस जहाज पर आकर ही वो बैठ जाता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जब आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, जब आपकी आत्मा से पुकार ये ऐसे निकलेगा कि हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ जाए और निठहर।
पहले से ज्यादा शिष्य हो गए और पुराने वाले ज्यों के तो 100% परमात्मा के चरणों में बैठे हैं और पहले से बड़ा आश्रम बना दिया बच्चों ने परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कबीर जी के वचन है कि बिचली पीढ़ी में, ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी है, इसमें तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जागा, कबीर भगवान का पूरा विश्व शांत होगा, पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा का प्रचार होगा, सब जीव सुखी होंगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। अब प्रसंग चल रहा है कि ये अज्ञानी ज्ञान नेत्रहीन जिनके अज्ञान का मोतियाबिंद हुआ था, ये ऋषि महर्षि कहा करते थे कि पाप अक्षमा नहीं करता, भगवान की उपासना साधना से पाप अक्षमा नहीं होते, और हमारे वेद जो सत हैं, सत शास्त्र, वो कह रहे हैं पाप परमात्मा तो गौर पाप न काट दे, जैसा कि अभी आपने इस 17 प्रकाश 17 नंबर 7 के अंदर इस नकली महर्षि दानंद के विचार सुने, पढ़े, देखे कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, उपासना से पाप अक्षमा नहीं होते, परमर्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा था कि हमारा वाद विवाद समाचार पत्रों में जब चला तो इन झूठे और कपटी इन आचार्यों ने जो विरोध कर रहे थे हमारा, उन्होंने यहाँ तक मिसगाइड करने की चेष्टा की कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो रामपाल ने लिखा है सर्वे के मित्र, उपकार करने वाले मित्र, तो वो तो लिखा तो वहाँ ऐसा ही है, लेकिन उसमें परमात्मा के विषय में नहीं लिखा, मित्र के बारे में लिखा कि मित्र पाप नाश कर देता है। तो बोली जनता ने मान लिया, अगर रामपाल अनपढ़, वो संस्कृत नहीं जानता, महर्षि दानंद संस्कृत के विद्वान थे, तो वो सही लिखते होंगे। अब दास ने ये प्रोजेक्टर का सहारा लेकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे रंग में रंग दिया, आंखों देख लिया, अब ये चाहे ब्रह्मा आ जाओ, विष्णु, शिव भी आ जाओ, ये ज्ञान में उनसे मार नहीं खा सकते, उनको हरा देंगे, ज्ञान के से उनको छुक्के छुड़ा देंगे हमारे बच्चे, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। अब देखिएगा, दानंद जी ने लिखा है 17 प्रकाश के 17 नंबर 1 में कि जहाँ मित्र शब्द है वो परमात्मा का बोधक है। ये देखिएगा, ये वही 17 प्रकाश है, 17 नंबर 1 और ये प्रश्न नंबर 18 पे, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो पुण्यात्मा, अब हम जहाँ इस दानंद जी ने मित्र शब्द लिखा है, सबके उपकार करने वाले मित्र, हम यहाँ पढ़ें ये सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। बस ये देखिएगा यजुर्वेद, ये देखिए यजुर्वेद 8वां अध्याय प्रश्न 241 और मंत्र नंबर 13, 242 पे अनुवाद है इसका। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप मित्र माने परमेश्वर, जैसा कि स्वामी दानंद जी ने अपने 17 प्रकाश में डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध, अपराध एनस्य माने पाप, देखो एनस्य, हम सब पढ़ अपने शिक्षा का ये लाभ हो गया हमारे को कि हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। एनस्य माने पाप, एनस्य माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो, अपराध कहो चाहे पाप, हे आप दान देने, हे परमेश्वर आप दान देने वाले के अपराध यानी अपराध माने पाप के, एनस्य माने अपराध अर्थात पाप के, अवेजना माने नाश करने वाले हो, खत्म कर देते हो, क्षमा कर देते हो। ये संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, मनुष्य कर्तव्य है, साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस्य माने पाप, अपराध अर्थात पाप के विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तव्य, चाहे बाप करे चाहे आप करे, सब पापों को आप नाश कर देते, पिता के किए हुए एनस्य माने अपराध के पाप के, इन्हें विरोध आचरण लिखा है। अच्छे हरने वाले हो,
आत्म कर्तस्य अपने किए हुए अनस्य मन पाप के अवैजन माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो, अनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी अवैजन माने नाश करने वाले हो, घोर पाप का भी नाश कर देते हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सब अनस्य माने दुष्ट आचरण नहीं, अनस्य माने पाप के दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले अक्षमा करने वाले हो हैं। अब पुण्य आत्माओं, ये दास इसीलिए चिल्ला रहा है कि सत्यार प्रकाश रूपी कनस्तर में ऊपर तो लिख रखा है शुद्ध देसी घी और अंदर भर रखी है गधे की लीद, यानी इसके ऊपर लिखता नहीं रखा है कि ये वेद वेदों अनुसार वेदों के प्रमाणों सहित वेद वाला ज्ञान सत्यार प्रकाश में सरल करके लिख रखा है और इसमें सारा वेद ज्ञान विरुद्ध वेद विरुद्ध ज्ञान है। अब आपने सातवें समुल्लास में पढ़ा के वो कहता कि भगवान ब्रह्म एक है अनेक नहीं, वेद में कितना नहीं लिखा, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में आप पर अनुवाद कर रहा है, आप लिख रहा है कि वो परमात्मा ऊपर, वो तो मोक्ष है परोक्ष है, वो ब्रह्म वो परमात्मा तो ऊपर पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूँ वैसा जान। ये देखो ये वही यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित। अब ये देखिए 40वां श्लोक अभी पढ़ा था आपने, 40वें अध्याय का 70वां श्लोक, ये 44वां अध्याय। अहम ओम ओम खम ब्रह्म अहम, ये देखा हे मनुष्यो जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये वेद ज्ञान दाता बोल रहा है ब्रह्म, अविनाशी यथार्थ कारण से अपहितम अच्छादित मुखम मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप वो तो गुप्त है, अहम मैं अहम माने मैं ब्रह्म, ये ब्रह्म लिखना था, अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म आकाश के तुल खम माने आकाश में यानी ब्रह्म लोक में हूँ, इनके अनुसार वह पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है यानी प्रोक्ष रूप है गुप्त है, और मैं आकाश के तुल व्यापक ब्रह्म सबके गुण कर्म स्वभाव करके अधिक हूँ, ओम सबका रक्षक मैं ऐसा ओम ऐसा जानो, उसका ओम ऐसा नाम जानो। आय है अब इसने तो गोबर कर्ण का ठेका ले रखा, धनवाद भी गलत करने की चेष्टा कर रहा है। अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, दैट्स ऑल। तो दो भगवान से दोगे, वेद ही इनके ज्ञान को अज्ञान में परिवर्तित कर रहा है। और अपरमात्मा क्या कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब जैसे जिसको सफेद मोतिया बंद हो रोग आंख्या में, तो उसकी आंख इतनी स्वस्थ दिखाई देती है जैसे इसको बहुत अच्छा दिखाई देता हो लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, बिल्कुल निपट अंधा होता वो, ऐसे ही ये महर्षि और देव पद पागेर अंडी पा करे थे, दुनिया इनको क्या क्या उपमा देती थी, ये कति अंधे थे ज्ञानहीन नेत्र थे, ज्ञान नेत्रहीन थे ये, इनका मोतिया बंद हो रहा था ज्ञान का। अब परमेश्वर की वो वाणी सत्य होती है, सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञान जो थोथा बूछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। ये वही वेद थे, ब्रह्मा भी पढ़ा करता, महर्षि भी पढ़ा करते, और इनके विषय में लिखा कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण ज्ञान जानकार होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे तरह गजब हो, ये वेदों में तो स्पष्ट लिखा है कि मेरा एक ओम नाम है, यही गीताजी में लिखा, गीताजी में कितने दुर्गा की पूजा का जिक्र नहीं है, पूरी गीताजी में। और गीता जो ज्ञान है
और वेद ज्ञान है ये ब्रह्म के द्वारा बोला गया है, और जो अन्य पुराणों का ज्ञान है ये ब्रह्मा के द्वारा बोला गया है। तो ब्रह्मा का ज्ञान जो वेदों के विरुद्ध है वो अज्ञान है, सीधा सीधी सी बात है। तो इसलिए ये देखिएगा ये देवी पुराण, क्योंकि पुण्यात्माओं आपको इस परमेश्वर के सच्चे रंग में रंगने के लिए ये बार बार पेंट की कोट करनी पड़ेगी, ये सच्चे रंग को चढ़ाना पड़ेगा। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, वही जो कि तू प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, मुद्रक व प्रकाशक गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 414 प्रश्न देखो, इन कल सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषियों की पोल खुल जाएगी, कितने विद्वान थे ये देखो। ये छठा सकंद है, छठा सकंद और संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्म जिन पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नृप शार्दुल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। गायत्री के ध्यान प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे, और माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन और इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। और तेरा गजर भैया अब नौके सतयुग, ये तो सतयुग के ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन ऋषि महर्षि, इनकी ये हालत थी कि ये वेद के विद्वान थे और दुर्गा की पूजा किया करते। तो कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले अपने सिंपल लैंग्वेज में ये कहा करते थे, जो आज वेद और गीता और सदग्रंथ और पुराण हमारा समर्थन कर रहे हैं परमेश्वर की वाणी का, कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु के बिना किसी को भी ज्ञान नहीं मिला। वो तो ऐसे है जैसे थोथे भूस को कोई मूड किसान लठम लट्ठा हो रहा हो, जोड़ा कुटे, जैसे सरसों के निकाल लेने के बाद और जैसे धान निकाल लेने के बाद वो प्राण रह जाती है, वो भूस रह जाता है भूसा, उसका कोई लठ मारा उसने ठाठा पटक रहा हो, कोई पूछे क्या कर रहा है कि धान निकाल रहा हूँ इसमें से कणक निकाल रहा हूँ, वो कणक नहीं है, वो तो थोथे भूस को कूट रहा है। तो कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सब वेद पढ़नीय सिन गुरु के बिना, इनको गुरु नहीं मिला कोई भी, यानी सतगुरु। अब सतगुरु शब्द इसलिए प्रयोग करना पड़ गया क्योंकि अज्ञानी गुरु गणे हो गए, वो उन्होंने गुरु पद को छीन रखा है, तो प्रसिद्ध हो गए गुरु, इसलिए सतगुरु शब्द लगाना पड़ा। वैसे तो गुरु शब्द बहुत है, इसलिए परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। अपने आप जो निष्कर्ष इन्होंने निकाली अड़ंगे कर रखे वेदों के अनुवादों का, और समझे न सार रहे अज्ञानी, ये सारे अज्ञानी थे। वही परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे। दिक्कत के तो नैन चम इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि वो मोती मोक्ष रूपी, वो सच्ची भक्ति रूपी मोती इनको दृश्य दिखाई नहीं देता जो वेदों में लिखा है, ये पढ़ नहीं समझ सके क्योंकि इनका मोतिया बिंद था अज्ञान का, और ये दिखे थे विद्वान और पाए अज्ञानी। जैसे जिस किसी के मोतिया बिंद हो गया हो उसकी आंख इतनी साफ दिखाई देती है पर उसको दिखता कति नहीं, ऐसे थे ये लोग। अब परमात्मा कहते हैं साचा सतगुरु कोए न पूजे, झूठों जगपति वावे। अंधे की बाँ गई अंधे न मार्ग कौन बतावे। अंधे की बाँ अंधा पकड़े जावा था, ये सब ज्ञानहीन अंधे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और ये दुर्गा क्या, और ये ऋषि महर्षियों की तो गिनती की, और दयानंद का तो कितना लो आस पास भी नहीं, तो बहुत नमन सतर की मुसुक्की फीत ला रखी थी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं अंधे की बाँ
गई अंधे ने मारे कौन बतासी निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब देखो कि सत्यार प्रकाश को थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा एक मिनट की ओर। अब इसकी खाल तारनी नो जरूरी होगी क्योंकि हमारे क्षेत्र को सबसे ज्यादा बर्बाद इस शख्स ने कर रखा था। ना भक्ति जोगे छोड़े कति आकड़ बना दिए सारे। हम उसी क्षेत्र में जन्म है, रोहतक जिले मेरा, और हमें पता हुआ कि लोग किसा स्वभाव बने, अंदर से बुरे नहीं है लेकिन बोलन चालन और इसके कारण ऐसा स्वभाव बिगड़ गया। इसकी खाल उतरेगी, इसकी ऊपर की जो नकली रस्सी की फीत उतरेगी, जब तक ये समझेंगे सचमुच इधर बात बिगाड़ गया सारी, तब इस दास के पास आएंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। हमारा उद्देश्य इतना ही है और कोई किसी से द्वेष नहीं या किसी के साथ कोई विशेष हमारा वह बात नहीं है कि हम इनका जानबूझ के कोई कर रहे नहीं। सच्चाई कहना एक संत का परम कर्तव्य हो सके और वो दास अपना फर्ज आखिरी सांस तक निभाओगा जब तक सांस दिए परमात्मा ने। तो इसलिए इसका इसकी खाल उतारनी नो जरूरी होगी अज्ञान की कि फिर ये मेरे पास आकर अपना कल्याण करवा लेंगे। इस दास के पास दास का अभिमान नहीं करता कि मेरा ज्ञान हर मो सबसे विद्वान, ना, ज्ञान तो भगवान का दिया हुआ है, शास्त्रों प्रमाण है, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये देखो ऐसा लिखा है, और मेरे पास वो दवाई है जो पाप काट देगी। तो पाप कटवाओ और अपना पीछा छुड़वाओ, बड़ा कौन बड़ा और कौन छोटा चलेंगे सतलोक में, वहाँ बड़ा छोटा कोई है ही नहीं, वहाँ एक जैसी पदवी है सबकी, केवल एक परमात्मा ही बड़ा है, बाकी सब एक सत्र के हैं। अब देखिएगा ये वही सत्यार प्रकाश महर्षि दानंद जी का द्वारा लिखा, इसमें 11वें समोल्लास में है और 306 पृष्ठ पे है ये एकादश समोल्लास 11वां, और 306 पृष्ठ पे क्या लिखा है कबीर जी के परमेश्वर के बारे में। जो लाल को कौड़ी बताता है वो कितना समझदार हो सकता है। प्रश्न किया किसी ने, कबीरपंथी तो अच्छे हैं? उत्तर नहीं। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, कबीरपंथी अच्छे नहीं है। तो प्रश्न करता कहता है क्यों अच्छे नहीं है? वो तो पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते हैं, पत्थर और मूर्ति का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए, अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण नहीं जान सकता उसको कबीर जानता था। अब प्रश्नकर्ता सही बोल रहा है, टू दी पॉइंट बात कर रहा है। सच्चा रास्ता जो कबीर ही जी ने दिखलाया है बिल्कुल सही है, और उस इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है, ये गलत है। तो यहाँ उत्तर देता स्वामी जी दानंद, कहता कि नहीं, कहते पाषाण को तो छोड़ो, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं ज्योति, जो हम जोत जलाते हैं ना, ये हवन है, ये जोत देसी घी की जगाते हैं, इसको भी विरोध कर रहा है दानंद। अर्थात दीप आदि का पूजना, आदि का पूजना पाषाण मूर्ति से यानी पत्थर की मूर्ति से न्यून नहीं, न्यून माने घटिया। क्या कबीर साहब भनुगा था जो कलियां व कलियों था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया? यहां तो जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसका लड़का बालक नहीं था, एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जावे था तो देखा एक सड़क के किनारे एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दे दिया, उसने उसका पालन किया। बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था, किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसको उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहों को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बना के आए है जुलाहे आदि नीच लोगों को, जुलाहा जाति को नीच लिखा इस महापुरुष दयानंद ने। अरे तेरा गजब बोलन का ना बेरा महर्षि कवा है। समझाने लगा, तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेषकर पंडित शास्त्र वेद और वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग, अब कबीर पंथियों को मूर्ख कह रहा है, जो हम इसके जाल में फंस गए, हम तो मूर्ख हैं, अर्दानंद विद्वान है। अरे तेरा गजब भैया, कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तो तब उसको लोगों ने
उसको सिद्ध बना लिया, और जो जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। अब यहाँ ये टॉपिक, ये थोड़ा सा विवरण सुनाना इसलिए आवश्यक हो गया कि दानंद जी ने भगवान को कितना समझा। इसने लाल को तो कौड़ी बताई, परमात्मा को तो कहते मूर्ख था, उठपटांग गाया करता, पर तमूरे रेले गाता था, जो उसने शब्द शब्द बना दिए भजन वाणी उनको लोग उसके चेले गाते बजाते रहे पढ़ते रहे, बस इतनी सी बात थी। कहते इसने के लाभ होगा न्यू कह पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं वेद हमारा भेद है, पर मैं मिलो वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूँगा ये वेद जानते नहीं। परमात्मा कहते हैं वेदों में मेरा ही विवरण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 95 और मंत्र नंबर 16, 17, 18 और 19 और 20 में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा जब बालक रूप धारण करके प्रकट होता है अपने ज्ञान को आप ही बताता है कबीर वाणी द्वारा। ओए होए, ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता हुआ अपने आप बोलता है, परमात्मा भी खुद कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा होता है, वो कबीर नाम है उसका, और वो कवि अच्छे सुप्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त कर लेता है, लोग उसको पहचान नहीं सकते, न पहचानने के कारण उसको केवल कवि की उपमा दे देते हैं, लेकिन वो परमात्मा होता है। और खुद भगवान कबीर जी भी कहते हैं चारों युग में हम पुकारे कू कहा हम हेल रे, हेल मान ऊंचे स्वर में हम आवाज दे देकर कहते आए हैं कि हीरे मोती माणिक बरसें ये जग जुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं हम ऐसा अमृत ज्ञान बरसा रहे हैं, अमृत ज्ञान की वो वर्षा कर रहे हैं जिसमें हीरे मोक्ष रूपी पूर्ण मोक्ष रूपी सुखदाई वो हीरे और मोती बरसा रहा हूँ, लेकिन ये जनता बोली जनता अज्ञानियों से भ्रमित होकर डड़े कांकर इकट्ठे कर रही है, वो नकली साधना कर रही है, अन्य देवताओं की पूजा कर रही है जो नहीं करनी चाहिए। तो परमात्मा पहली आकर कहा करते थे चारों युग में हम पुकारे कू कहा हम हेल रे, हमने ऊंची आवाज लगा लगा कर सब जगह आवाज लगाई बोली, और वही वेद कह रहे हैं कि वो परमात्मा अपने ज्ञान का उच्चारण गरज गरज कर आवाज लगाकर करता है, कबीर वाणी के द्वारा बोलता है। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते देखो रे लोगो, मैं साची बताऊं, मैंने मूर्ख बतावा ये अज्ञानी पंडित, और दुनिया इन झूठों पर विश्वास कर रही है कि जो बड़े विद्वान है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड़ है मुल मुल खासा गलमोतियों के आरे, वैसा उड़े मुल मुल खासा गलमोतियों के हारे, पति भरता को मिले न खादी सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, परमात्मा धन्य कहे तो अनपढ़ था उठपटांग गाया करता था। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवारे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार, इन सच्चों को तो झूठ बताव इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बताओ इन झूठों का एतबार। निरंजन
धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। अब पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया है कि ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और जो भगवान के चाहने वाले जितने भी मानव हैं वर्तमान में, वो परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को समझकर इस दास के पास आकर अपना कल्याण अवश्य कराएंगे। और पूरे विश्व में एक बार इतना प्यार का माहौल होएगा, इतनी शांति छावेगी, जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही है, यो मेरा न्यू कर दूँ, इस ज्ञान की रोशनी में सब उल्टे हट जाएंगे, बुराई छूट जाएंगी, साफ दिखाई देगा कि जो पाप कर रहे हो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। और पुण्यात्माओं, कबीर परमात्मा पल में जो चाहे सो कर देगा। अब हम धनी बनना चाहते हैं लूट खसोट करके, चोरी रिश्वत लेकर कभी नहीं बन सकोगे, ये विष है विष। और जब हम परमात्मा कबीर जी के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, सच्चे सच्ची साधना करेंगे इस दास के द्वारा बताई, आपको वो सुख देगा, आपके धन में भी बरकत कर देगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा का ये तत्व ज्ञान अब पूरी पृथ्वी पर पैर फैला रहा है, पसार रहा है, इसका चारों तरफ बहुत ही स्पीड से प्रचार हो रहा है। अपना पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ से यहाँ एक भक्त अपने भारत के अंदर नौकरी करता था, खेम बहादुर, भक्त खेम बहादुर जी आए हुए यहाँ पर, एक बार खड़ा होना, इधर आ जा या मेरे पास आ जा, इसको लाना इधर से ला के। जैसे ये पहले यहाँ नौकरी करता, अपने भारत में रहते थे, इनके भांजे ने ये ज्ञान समझा, वो इंजीनियर है, उसने कंप्यूटर में हमारी आस्था चैनल पर देखा था 2003 में, उस समय उसने इस ज्ञान को समझा, फिर अपने मामा जी को इनको सीडी दिखाई, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और देवी देवताओं के ऊपर पूर्ण रूप से कट्टरता से साथ आश्रित है, ये अन्य को मानने को तैयार नहीं था। कहने लगे नहीं, इस ये संत निंदा करता है और देवी देवताओं के बारे में ऐसे बोलता है, भगवान की पूजा, भगवानों की पूजा मना करता है। लेकिन उसके भांजे ने कहा कि मामा जी ऐसी बात नहीं है, निंदा नहीं करते, ये सच्चा ज्ञान करें। अब देखिए, वेद और गीता को तो आप मानते हो, ग्रह मानता हूँ, उसमें देखो, सीडी दे दी। कहने लगे ऐसा सुना, मैं तो चक्कर काट गया। इसने सन 2004 में नाम लिया था, अब ये अपने स्वदेश लौट गया नेपाल में, वहाँ जाकर के लोगों को प्रचार किया, समझाया, बहुत से व्यक्तियों को लेकर यहाँ आने लगा। तो अब इसने कहा जी, नेपाल में गरीब लोग ज़्यादा हैं, यहाँ वहाँ प्रचार करने के लिए, और मैं अकेला हूँ, मेरे पास भी इतना वित्तीय वो नहीं है, अगर थोड़ी बहुत सहयोग यहाँ से मिल जाए तो मैं वहाँ जा जा के, घर घर जा जा के प्रचार करूँ। तो इसने पैसे मांग, मैंने इनको पैसे दे दिए, जो वहाँ 4,000 रुपये बनते हैं नेपाल के। इसने क्या किया कि वो 4,000 रुपये, ये बता आप ही बताएगा तो अच्छा लगेगा, आ जाओ एक बार, अब यहाँ आओ, वो 4,000 रुपये रख दिए सुरक्षित के, भगवान के पैसे, नाजायज खर्च नहीं करूँगा, मेरे लिए जहर है, अपना जब तक इसकी सामर्थ्य रही अपने पैसों से इधर उधर खर्चा करके भक्तों को समझाता रहा, जाता रहा, सीडी दिखाता रहा। फिर इसको 500 रुपये की आवश्यकता पड़ी और वो पैसा ऐसे स्थान पर रखा था सुरक्षित के, छूना नहीं है इसको, छेड़ना भी नहीं है। तो इसने जब फिर वो 500 रुपये की आवश्यकता पड़ी तो कहने लगा, मैंने देखा परमात्मा का पैसा निकाल लूँ, कुछ ले लूँ आज। तो 500 रुपये निकालने के उद्देश्य से इसने देखा तो वहाँ पर 6,500 रुपये पाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब आपके समय समक्ष भक्त खेम बहादुर जी नेपाल से, इसने नो कह रहा था, मैंने पहले अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि पहले भगवान गुरुदेव को बताऊंगा, फिर औरों को बताऊंगा, आज आकर इसने सबसे पहले कल यही कहने लगा जी, कमाल कर दिए, भगवान जैसे सुने थे कबीर जी वैसे ही मिले।
इतनी भक्ति हम करते थे, इतनी उम्र होगी आज तक ऐसे चमत्कार कभी सपने में भी नहीं सोचे थे भगवान ऐसा कर देता है, सुना सुना करते थे, आज करके दिखा दिया। अभी अपने मुख से आपको आप बीती बताएंगे। खेम बहादुर जी सत साहेब, मैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब परमेश्वर के चरण में आकर के बहुत धन्य समझा हूँ और ऐसे परमात्मा हमने 28 साल खोज किया, 28 साल में झूठे गुरुओं के पास फंसे, उसके बाद परमात्मा का एक भक्त मिला, उस भक्त ने हमको प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर हम दे नहीं पाया तो हमने सोचा ये अवश्य गुरु बहुत बड़ा होंगे, आज तक ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया, तो मेरे हृदय में चोट सा लगी, पूर्ण परमात्मा का नाम क्या है। उस भक्त ने बोला कि मेरे को तो पूर्ण परमात्मा का नाम कोई 22 गुरु दिया है, किसी ने भी परिचय नहीं दिया, मैं इसको लिए असंभव है, मैं जान नहीं सकता, आप ही बताइए वो गुरु कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ रहता है। तब वो बोले ये आदेश ले लो, गुरु महाराज जी करोथा में रामपाल जी साक्षात पूर्ण ब्रह्मों का कवि साहेब बन करके कवि साहेब उनके हृदय में आए हैं, तो मैं अति प्रसन्न हुआ और वो कोई किसी ने ना बोला हुआ समाचार उस भक्त ने मेरे को सुनाया, तो मैंने ऑडियो नोट किया और आपका गुरु का परिचय दीजिए, आपका गुरु का कोई सीढ़ी चक्का किताब कुछ भी हो मेरे को प्राप्त कर दीजिए, मैं पढ़ू देखू सुनू इस चीज को जानना चाहता हूँ। मैं खोज करते करते आज 28 साल मेरा बर्बाद हो गया। तब फिर मैंने उसको अध्ययन किया, वो भक्त ने मेरे को सीढ़ी चक्का और रेस यहाँ का और सृष्टि रचना का एक किताब मेरे पास पहुंचा दिया। तो पहले वाला मैं साधन करता था 3 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा बैठ करके आँख मेट करके उस ज्योति का दर्शन करवाता था, लोगों को समझाता था, लोगों को सिखाता था, बहुत संख्य जोड़ा। तो मैं उस दिन जब उसे खबर मिला उस दिन से मेरा मन वहां से हट गया। मैं सृष्टि रचना पढ़ा 3-4 बार पढ़ा, परमात्मा का लिखा हुआ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब का लिखा हुआ संदेश को पार करके मैं उसको पीछे मुड़कर के भी देखना मन नहीं करता। आज कोई देवी देवताओं का किसी की तरफ भी मेरा मन नहीं लगता, केवल अपना परमेश्वर सदगुरु परमात्मा के अलावा और को मन नहीं लगता। इसी करके मैं ये चाहता हूँ सारे विश्व में, हमारे खाली नेपाल में नहीं सारे विश्व में ये प्रचार पूर्ण परमात्मा का प्रचार दुनिया गुरु भाई बहन बुजुर्ग बच्चा कोई भी हो तन मन धन देकर के प्रचार करें। और हमारे नेपाल में भी बहुत मैं अकेला था, मैं रोता था, मैं अकेला हूँ परमात्मा मैं कैसा कि प्रचार करूँ, झूठे गुरु को तो मैं बहुत प्रचार किया हूँ, आप तो पूर्ण परमात्मा आपका ज्ञान इतना तत्व ज्ञान सच्चा ज्ञान मिल करके मैं चुप करके मैं नहीं बैठने वाला, मेरे को कुछ आज्ञा दीजिए प्रचार के लिए, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। तब मैंने परमात्मा से आदेश किया, परमात्मा को खुद ही बोला मैंने महाराज जी मेरे को कोई सेवा दीजिए, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मैं छोटा हूँ गरीब भी हूँ पर मेरा जितना भावना है मैं उतना सेवा भी करूँ, घर में बाल बच्चा भी पालूँ, प्रचार भी करूँ, खेती बाड़ी भी करूँ, सारा काम निभाते हुए
जितना हो सके परमात्मा करो, ये हम तो निमित्त है, हम करने वाला कुछ नहीं है, सब परमात्मा कराते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब को हमारा पूर्व जन्म में कुछ किया हुआ था, वो परमात्मा हमको लेने के लिए, हमारे को समझाने के लिए, हमारे को उतारने के लिए आए हैं। ये मौका कोई भी बहन भाई कोई भी हो, धूमधाम से प्रचार करें, खुशी के साथ करें। परमात्मा बहुत भाग्य से मिले हैं। मैं एक बात और सुनाना चाहता हूँ, एक घटी परमात्मा का एक लीला देखा है। देखा मैंने, प्रचार करा था परमात्मा से, मैंने 5,000 रुपये परमात्मा को मैंने बोला, परमात्मा मेरे को प्रचार करना है, 1,000 दीजिए। बोला बेटा तू 1,000 क्या करेगा, 5,000 ले जा। तो परमात्मा ने 5,000 दिए थे, मैं लेके गया, 1,000 रुपया खर्चा करा। उसके बाद 4,000 रुपये, 5,000 में 4,000 रुपया मनी एक डब्बे में अलग से लुका के छिपा के रखा। ये परमात्मा का पैसा है, ये प्रचार के लिए पता नहीं कब जरूरत पड़े, इसको संभाल के अलग से रखूंगा, कोई चोरी ना लगे, कोई घर के बाल बच्चे ना देखे। इस हिसाब से एक डब्बे में बंद करके रखा था 4,000। एक दिन मेरे को प्रचार करने के लिए जाना लगा, मेरे जेब में पैसा नहीं था। तब मैंने सोचा आज परमात्मा का जो रखा पैसा है, प्रचार के लिए जाना है, 500 रुपया मैं निकाल लूं। जब जाके देखा खोला डब्बी, 1,000 का और 5-6 नोट, 6,500 रुपया मिला। मैंने वही करके रोया, परमात्मा आपने ये लीला किया है, मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ। पैसा तो मैंने बहुत बहुत दिन रखा हुआ था, कभी ऐसा पैसा एक पैसा भी बढ़ता नहीं होता था। हजारों हजार रुपया रखता था, लेकिन एक पैसा भी बढ़ा नहीं, एक रुपया नहीं बढ़ा था। आज ये लीला है, ये कौतुक कहाँ से हुआ, मैं वही करके रोया। याद किया अपने प्रभु परमात्मा को, याद किया और मेरे दिन में फिर सोचा मैंने जो बिहार किसी को बताऊंगा नहीं, बताऊंगा भी कोई मानेगा नहीं, मैं अपना गुरुदेव के पास जाकर के ये संदेश गुरुदेव को ही बताऊंगा। तो मैंने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव के बताने के बाद ही मैं अब ये मौका मिल रहा है आप लोगों को सुनाने के लिए। आप सच्चे मन से, तन मन से, आप लोग इसी भावना से करेंगे तो सुख देने वाले परमात्मा हमने इस जीवन में पाया है, हम अति सुखी हो जाएंगे। इसके लिए परमात्मा ने मौका दिया है, ये कहने के लिए मैं यही सत साहब करता हूँ। सत साहेब बोलो, सतगुरुदेव की जय।